तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वीडियो गेम। दूसरे वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ से। पहले वीडियो में आपने देखा कि ज़ॉम्बीज़ ने मुझे घेर रखा था और मुझे भागना पड़ा। यहाँ भी सीन कुछ वैसा ही है, अभी भी ज़ॉम्बीज़ मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि रात का समय है। तो अभी यहाँ से निकलना भी मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। एक सेकेंड, चोट लग गई यार भाई। ये देखो सामने एक घोड़ा दिखाई दे रहा है और व्हाइट कलर का घोड़ा दिखाई दे रहा है। बहुत खूबसूरत लग रहा था भाई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। रियल में मैंने एकदम फुल वाइट तो नहीं देखा है, हाँ लेकिन देखा है, बहुत अच्छे लगते हैं घोड़े मुझे। मुझे हॉर्स राइडिंग करनी भी ज़्यादा पसंद है। एक दो बार मैंने की भी है और बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों में जिनने भी की है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर उन्हें कैसा लगता है हॉर्स राइडिंग। लाइफ लाइन तो थोड़ी सी कमज़ोर सी हो रही है यार मेरी, कम हो रही है तो खाना पड़ेगा कुछ। हॉप 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 हॉप, जल्दी भागो यहाँ से, पीछे ज़ॉम्बीज़ खड़ा है। ज़ॉम्बीज़ तो अच्छा, जीतने भी है ना अचानक से एक साथ, रात होते ही ना, जैसे मैं अगर मैं सोचूं कि चलो कहीं अकेले में ही चला जाता हूँ, कहीं कहीं भी चला जाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई सीन नहीं है कि आप अकेले चले जाओ चाहे कुछ भी कर लो, ये आपको फोंकने वाले हैं पक्का। कहीं भी मिल जाओ मारेंगे ज़रूर आपको। तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे अरे दिख नहीं रहे यार, कहाँ चले गए सारे के सारे ज़ॉम्बीज़, नहीं दिखाई दे रहा अभी। ओए भाई, मेरे पास लेकिन खाने पीने का बहुत ज़्यादा आइटम है नहीं अभी, लेकिन जो भी है चलो उसे काम चलाएंगे आज रात, बाकी सुबह देखेंगे। वो देखो तीरबाज उधर घूम रहा है। यहाँ देखो ये कोल है भाई, कोल मिल गया मुझे। ओ भाई मुझे तो कोल मिल गया, लेकिन अभी मैं इसको कलेक्ट नहीं कर पाऊँगा, क्रश कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर कोल के चक्कर में पड़ा ना तो ये मेरा ढोल बजा देंगे। ये जितने ज़ॉम्बीज़ हैं ना ये मुझे ढोल बजा देंगे। मुझे इस गुफा के अंदर जाने की इच्छा तो थी, मन तो था मेरा, लेकिन अगर मैं उसके अंदर घुसा ना तो ये सारे के सारे एक साथ मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मैं चला जाऊंगा। हाँ, खुशखबरी तो बहुत बड़ी ये है कि सुबह होने वाली है। देखो रोशनी देखो कैसी हो रही है, एकदम गोल्डन गोल्डन सी, सुनहरी सी एक रोशनी मेरे सामने गिर रही है। तो ये देखो पटाखे वाला यहाँ घूम रहा है और मेरे पास कोल का खजाना मिल चुका है, मुझे कोल का एड्रेस मिल चुका है। तो अब जैसे ही यहाँ पे सूरज सामने आ जाएगा फिर उसके बाद ये सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाएंगे, तो फिर हम करेंगे क्या करेंगे, कोल की माइनिंग, कोल कलेक्ट करके फिर उसके बाद चलेंगे अपने मेन वाले माइन में जहाँ पे हमें आज माइनिंग करनी है। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक देखना, क्योंकि अब जो है माइनिंग में कुछ खतरनाक होने वाला, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये देखो ये घोड़े कुछ अजीब से दिख रहे हैं मुझे और बहुत ज़्यादा, ये देखो पीछे से तीर मार रहा है ये, देखो मार भी दिया उसने। अरे यार ये तो एकदम गजब हाल लगता है यार इसका। मैं सोच रहा था इस घोड़े को ना थोड़ा सा घुमाने के लिए, लेकिन इनकी तीरबाजी ख़त्म नहीं होने वाली है, तो इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से निकल लूँ पहले। यार क्या हुआ, अभी तक सुबह हुई नहीं, मुझे तो लग रहा था कि शायद सुबह होने वाली है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा सीन दिख नहीं रहा यार, अभी भी रात है। ये देखो यहाँ पे है कोल, ठीक है। अरे मुझे लगा ज़ॉम्बीज़ आ गए। चलो एक तो कलेक्ट कर लिया मैंने, दूसरा भी, तीसरा भी कर लिया। जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, देखता हूँ अगर कोई आ नहीं रहा है। वो देखो सामने खड़े हैं, दो तीरबाज खड़े हैं वहाँ पे। देखो आ गया एक आ गया, ये आ गया भाई। अच्छा लेकिन ये कौन है मालूम है, ये ज़ॉम्बीज़ का ना बड़े, ये जो नीले वाले ज़ॉम्बी है उनका बच्चा है ये। बहुत तेज दौड़ता भाई, देखो इतनी तेजी से दौड़ रहा है भाई मेरे पीछे पीछे, देखो मार रहा है। और ये बहुत खतरनाक है भाई, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब देखो मेरे पीछे पीछे बहुत दूर तक जाएगा, मैं जहाँ भी जाऊँगा वो वाले ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना, वो थोड़ी देर के बाद पीछे आने के बाद ये हट जाएंगे, भाग जाएंगे या फिर कहीं और चले जाएंगे। लेकिन ये अभी भी मेरे पीछे, देखो ये देखो मेरे पीछे लगा रहेगा, कंटिन्यू लगा रहेगा, ये मुझे छोड़ेगा नहीं। अभी तीरबाज उधर से तीर मार रहा है, ज़ॉम्बीज़ का बच्चा मुझे एकदम जीने नहीं दे रहा है। ये देखो मैं कहाँ जाऊँ, भागने की कोशिश तो कर रहा हूँ, बहुत तेज़ी से भाग रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये मुझे छोड़ने वाले हैं किसी भी तरीके से। मैं अब मुझे लग रहा है कि मेरा काम तमाम होने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब ज़्यादा दूर तक मैं भाग नहीं पाऊँगा। लेकिन जल्दी से मैं चाह रहा हूँ कि सुबह हो जाती ताकि ये ज़ॉम्बीज़ सारे के सारे ख़त्म हो जाते भाई। लेकिन जल्दी सुबह हो जाती यार, जल्दी सुबह क्यों नहीं हो रही है, सुबह होती क्यों नहीं है यार, जल्दी सुबह हो जाए, बहुत देर से रात हो रही है भाई। ज़ॉम्बीज़ मेरे, मुझे बचा लो यार, कोई मुझे बचा लो प्लीज़। हथियार तो मेरे पास बहुत है, लेकिन वो जो है ना छोटा
छुटंकू जॉम्बीज का बच्चा, वो तो भाई ये समझ लो कि नेक्स्ट लेवल का ही है एकदम। उसको कितना भी मारो कुछ भी करो वो भागता ही नहीं है, मरता ही नहीं है। ये तो चलो इनका तो ऐसा सीन है कि चलो इनको मारो तो ये मर जाते हैं। वो देखो तो चांद दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा था चांद यार, नीचे जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब सुबह बहुत जल्द हो जाएगी, बहुत जल्द सुबह होने वाली है। मैं गोल गोल चक्कर ही काटे जा रहा हूँ तब से, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। ये ब्लैक स्पाइडर देखो घूम रहा है मेरे सर के ऊपर ही। अरे यार क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया हूँ मैं। और चलो ये खुशखबरी तो सामने आ रही है क्योंकि सुबह होने वाली है। अब जो है थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिलने वाला है, सामने सूरज निकल रहा है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जिस तरीके से सूरज निकल रहा है ना, तो मेरे साथ ही मेरे उम्मीद जो डूब रही थी ना वो भी निकल रही है बाहर की तरफ कि मैं ज़ॉम्बीज से आज तो पक्का मरने वाला हूँ। ये देखो चांद इधर ढल रहा है, इधर सूरज निकल रहा है, ये सारे ज़ॉम्बीज अब जो है एक के बाद एक अब जल के मर जाएंगे। तो अब क्या करना है हमें, पहले इन ज़ॉम्बीज को मरने का इंतजार करते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा ना कोल को, क्योंकि वहां कोल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कोल है, इसलिए हमें सारे कोल को कलेक्ट करना है क्योंकि माइनिंग करनी है आगे। तो माइनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सूरज को देखो, वाह क्या सनलाइट है यार, गजब एकदम मस्त, क्या लग रहा है यार। तो जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, और अगर इस वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज वो भी कमेंट करके जल्दी बता दो ताकि मैं इस वीडियो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना लूं। हाँ मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जावा एडिशन लेके आने वाला हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से नहीं, लेकिन बहुत जल्द ये देखो ज़ॉम्बीज मरने लगे, अब ये जल के खुद मर जाएंगे। तो जावा एडिशन मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, और क्योंकि अभी मैं इस पे ट्रायल कर रहा था, अपने हाथ साफ कर रहा था माइनक्राफ्ट ट्रायल पे, तो यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीख लिया है आप लोगों की वजह से, आप लोगों के कमेंट की वजह से। तो कमेंट करते रहो, बताते रहो मुझे, यहाँ पे सारे ज़ॉम्बीज मर चुके हैं। तो अब मुझे नहीं लगता है कि आज के इस वीडियो में हमारी माइनिंग हो पाएगी प्रॉपरली, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर ये बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम थोड़ा सा यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद, अरे यार मुझे तो ये क्या बुलबुले से निकलने लगे, कोई बात नहीं, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।